और यह आत्मा अजर है, अमर है, नुकसान रहित है, नाश रहित है। कोई भी मनुष्य इस आत्मा का नुकसान नहीं कर सकता, कोई भी वस्तु इस आत्मा को नुकसान नहीं कर सकती। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्नंति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम निदन्ते आपो, न शोषति वानुका। कोई शस्त्र इसको नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं जला सकता, वायु नहीं जला सकती। तो सोचिए, जब कोई भी आत्मा का नुकसान नहीं कर सकता, तो क्यों व्यक्त हम चिंता करते हैं, क्यों वह डरते हैं, क्यों वह घृणा करते हैं? ये सब करते हैं भौतिक शरीर की वजह से। यदि अपनी सोच बदल ले, हम सिर्फ आत्मा और परमात्मा के बारे में ही सोचें, हम अपनी आत्मा में ही नमन करने वाले हों, आत्मा से ही संतोष करने वाले हों, आत्मा से ही खुश रहने वाले हों और आत्मा से ही खुशी रहने वाले हों, तो हम धैर्यता छोड़ते हैं, हम भूल सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कर्मयोग, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेशु कदाचन मां कर्म पर हेतु धर्म से संगो कर ले। यानी कर्म करते हुए हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए कि कर्म पर ही हमारा अधिकार है, कर्म पर हमारा अधिकार नहीं है। निष्काम भाव से कर्म करना है, कर्म पर की इच्छा नहीं करनी, अपनी आत्मा का ही उद्धार करना है और परमात्मा के लिए ही काम करना है। तीन बातों ध्यान रखनी है, निष्काम भाव से कर्म करना है, परमात्मा के बारे में ही सोचना है और आत्मा का ही उद्धार करना है, शरीर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। तो हम है चिंता छोड़ते मुक्त हो सकते हैं। मां कर्म पर हेतु धर्म से संतो कर्म नहीं है। परमात्मा यह भी कहते हैं कि कर्म करने का कारण अपने आप को नहीं समझना है, करने का कारण अपने आप को नहीं समझना है, कर्म करने का अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए कि जितने भी हम कर्म करते हैं अपनी प्रकृति के स्वभाव के वश में होकर करते हैं। सब कर्म के कर्ता, सब कर्म करने के कारण हम नहीं है, हमारी प्रकृति के स्वभाव है। हमारी प्रकृति तीन चीजों से बनी है, तीन चीजें प्रकृति के तीन स्वभाव है हमारी प्रकृति के, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण का मतलब है अच्छा स्वभाव, अच्छा गुण, साथ में फल और आसक्ति का त्याग है, फल और इच्छाओं का त्याग है। और रजोगुण का मतलब है अच्छा स्वभाव, अच्छा गुण, लेकिन फल और आसक्ति का त्याग नहीं है, फल और इच्छाएं काफी है, रजोगुण है। तमोगुण का मतलब है गलत स्वभाव, गलत गुण, शिष्य और समाज का नुकसान हो रहा है। सतोगुण से मिलता है हमें प्यार, ज्ञान, शक्ति, सुख, शांति, आनंद। रजोगुण से मिलता है अहम, काम।